दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया अंतिम गेंद तक सांसें रोक देने वाले तीसरे वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई, जहां भारत के विध्वंसक बल्लेबाज रोहित शर्मा से लेकर ऋषभ पंत और विराट कोहली का तूफान देखने को मिला, तो वहीं भारत के गेंदबाजों ने एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से लंका को ढेर कर उनके घमंड को भी कुचल कर रख दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और लंका के बीच सांस रोक देने वाले तीसरे वनडे के रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है? दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें श्रीलंका और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसे ही हमें एक बार फिर देखने को मिला जहां दूसरे वनडे की हार का बदला लेने और सीरीज बचाने के लिए जब टीम इंडिया इस मैदान में उतरी तब गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान में अंतिम गेंद तक जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर दोबारा से श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और उनका यह मास्टर प्लान काम कर गया। गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से प्रेमदासा स्टेडियम में ऐसा तहलका मचाया कि 80 रनों के भीतर ही श्रीलंका ने अपने चार बल्लेबाज गवा दिए थे। ऐसा लगा था कि श्रीलंका शायद 150 रन भी न बना पाए, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में अपनी टीम के लिए सबसे बड़े हीरो बन गए उनके कप्तान चरित्र श्रीलंका। जी हाँ, इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। अर्शदीप से लेकर सिराज, अक्षर पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 102 गेंदों में 128 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 11 चौके और 4 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे दुनित वैला लगे ने भी अर्धशतक जड़कर श्रीलंका को 50 ओवरों में 348 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह ने सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की थी। हालांकि श्रीलंका के फैंस तो इतना बड़ा लक्ष्य देखकर अभी से जश्न मना रहे थे, उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, अब इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने विस्फोटक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। पिछले दो मैचों में एवरेज परफॉर्म करने वाले गिल ने श्रीलंका के ही अंदाज में लंकाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। टीम इंडिया की क्लासिकल जोड़ी गिल और रोहित के बीच पिछले दोनों मैचेस की तरह एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। जीत की नींव बिछा दी गई थी। पहले 6 ओवर में ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 50 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर लंका के खेमे में तहलका मचा दिया था। आज शुभमन गिल भी कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। ऐसा लगा था कि उनके बल्ले से बड़ी पारी देखने को मिलेगी। रोहित को भी पीछा छोड़ते हुए इस खिलाड़ी ने केवल 32 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक जड़कर अपनी वापसी का कमाल का तगड़ा ऐलान किया था। हालांकि दोस्तों, तभी उन्हें किसी की नजर लग जाती है। वो धमाकेदार शुरुआत के बाद 62 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके लिए उन्होंने केवल 39 गेंदें ली थी, जिसमें 5 चौके और वहीं 3 तूफानी छक्के भी जड़े थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे विराट कोहली अपने आते ही बेहतरीन मौके से अपना खाता खोला। अब टीम इंडिया के दिल और धड़कन रोहित और कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को यहां से जीत की दहलीज तक ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और श्रीलंका के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत अधिक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, हिटमैन ने केवल 48 गेंदों पर 60 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 1 छक्का लगाया था। तो वहीं विराट ने भी 58 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप ने लंका को मैच से बाहर फेंकने की पूरी तैयारी कर ली थी। टीम इंडिया मैच में आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित और कोहली ने भारतीय टीम को 170 रनों के पार पहुंचा दिया था। इन दोनों ने श्रीलंका की नाक में दम कर दिया था। रोहित शर्मा तो आज सिर पर कफन बांध कर आए थे। वो अकेले लंका की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। यहां तक कि उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी पर तो खुद विराट कोहली भी मोहित नजर आ रहे थे। और देखते ही देखते कप्तान रोहित शर्मा ने दुनित वैला लागे की गेंद पर छक्का लगाकर आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपना शानदार शतक ठोक दिया था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। ऐसा लगा था हम आसानी से यह मुकाबला जीतने वाले, लेकिन तभी श्रीलंका की वापसी का शंखनाद होता है। जी हाँ दोस्तों, शानदार फॉर्म में लग रहे विराट कोहली गेंदबाज के जाल में फंसकर अपना विकेट गंवा देते हैं। उन्होंने 83 रनों की एक दमदार पारी खेली, जिस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके
और दो तूफानी छक्के भी निकले थे। उनके विकेट के बाद टीम इंडिया थोड़े दबाव में नजर आ रही थी। सबको लगा था कि मैच अब बराबरी पर आ चुका था, पर श्रीलंका को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप टू के बाद ऋषभ पंत ने भी श्रीलंका को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। पिछले दो मैचों में मौका न मिलने से नाराज इस खिलाड़ी ने आते ही तीसरे वनडे के इस महामुकाबले को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। बेहतरीन चौके से अपना खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने तो अगले कुछ ओवरों में तहलका ही मचा दिया। नतीजा ये हुआ कि पलक झपकते उन्होंने रोहित के साथ मिलकर पहले 50 तो फिर एक छोर से बेदर्दी से कुटाई करते हुए 90 रनों से भी अधिक की साझेदारी बना ली थी। दूसरी तरफ शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया और उनके शानदार बल्लेबाजी से मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया। श्रीलंका के तो पसीने छूट चुके थे, लेकिन अब मैच आखिरी ओवर में था जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। रोहित के साथ पंत खूंखार बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रीलंका को लगा कि वो मैच बचा लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था ये तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम लेकर आए रफ्तार के सौदागर मतीशा पथिराना की पहली गेंद पर ऋषभ पंत का बल्ला गरजा। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोर कर अपने तेवर लंका को दिखा दिए थे। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि श्रीलंका की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। पथिराना ने पंत को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और ऋषभ इसे कहां छोड़ने वाले थे। इन्होंने इस गेंद को भी अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। श्रीलंका के तो पसीने छूट चुके थे, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, भारतीय फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर ऋषभ पंत मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर पंत बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद कप्तान रोहित ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक लंकाई खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉर्ट लेग में हल्का सा शॉट खेलकर दो रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम दो गेंदों में पहुंच चुका था जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था, सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं लंकाई फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों, पथिराना ने रोहित को मैच खत्म करने नहीं दिया। पांचवी गेंद पर भी रोहित ने बल्ला घुमाया, लेकिन वो केवल 2 रन ले पाए। अब यह मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे, तो वहीं श्रीलंका को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था कि आखिर अब क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए रोहित को छकाना चाहा, लेकिन रोहित भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पीछे हटकर उन्होंने गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से चीरते हुए आसमानी छक्का जड़कर टीम इंडिया को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी थी। पूरा स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा था। ऋषभ पंत से लेकर विराट कोहली की खुशी का ठिकाना नहीं था, तो भारतीय खेमा जश्न में डूब गया था। रोहित कोहली से लेकर पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, क्योंकि टीम इंडिया ने दूसरे वनडे की हार का बदला लेते हुए श्रीलंका को धूल चटाई थी। हालांकि ये केवल एक प्रैक्टिस मैच था, लेकिन जब प्रैक्टिस मुकाबले में ही भारतीय टीम ने लंका की इतनी बुरी हालत कर दी, तब तीसरे वनडे में तो लंका की शामत आना निश्चित है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि तीसरे वनडे में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा, रोहित कोहली या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में हार के बाद भारतीय दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। भारतीय खिलाड़ियों को फटकार लगाते हुए कर दिया सभी को हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद भारतीय दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग से लेकर सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम को फटकार लगाने के साथ एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की हार पर भारतीय दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और अक्षर पटेल में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को 32 रन से हार का सामना करना पड़ रहा है। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हार कर पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को वॉशिंगटन सुंदर के 3 और कुलदीप यादव के 2 विकेट के चलते 50 ओवर में 240 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। और इसका पीछा करने के लिए आई थी भारतीय टीम के ओपनिंग ने साझेदारी ने 97 रन की, लेकिन 42
2.2 ओवर में भारतीय टीम ने 208 रन ऑल आउट होकर बना दिए। ऐसे में भारतीय टीम को 32 रनों से हार मिली। भारतीय दिग्गजों ने भारतीय खिलाड़ियों को फटकार लगाई है और अब हार पर सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है, जिसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हूँ। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। मुझे उम्मीद थी कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से किसी भी महान खिलाड़ी का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। मुझे अब ऐसा लगता है कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को दोबारा से बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ हार मिली है, मुझे उम्मीद है कि ये टीम अगले मैच में जीत दर्ज जरूर करेगी। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा से मुझे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी खराब प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि उन्होंने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु फिर भी भारतीय टीम को आज जीत नहीं मिल पाई है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली को इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत थी, लेकिन आज के दिन भारतीय टीम के लिए विराट कोहली ने कुछ खास कमाल नहीं किया, जिसके चलते भारतीय टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ा और भारतीय टीम इस मैच को हार गई। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को दूसरे मैच में जीत दर्ज करने की जरूरत थी, क्योंकि पहला मैच भारतीय टीम अपने नाम नहीं कर पाई थी। ऐसे में मुझे लग रहा था कि भारतीय टीम दूसरे मैच में जीत दर्ज करेगी, लेकिन आज अब भारतीय खिलाड़ियों ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने जिस तरीके से आज के दिन भारतीय टीम को जीत दिलाने के बजाय उनका हार के करीब ले जाने का कार्य किया है, वो बताता है कि भारतीय टीम क्यों जीत के लिए इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही थी।